अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डेली फूड एंड केक रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो जब घर में कुछ ना हो बनाने के लिए, तो आप ये जो आज मैं बनाने वाली हूँ ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। तो आज हम बनाने वाले हैं डुबुक बड़ी का सालन। तो इस सालन के लिए हमें चाहिए यहाँ पर मसाले। ये देखिए, मैंने इस तरह से नारियल लिया है, सूखा नारियल, इसे भून लिया है। ये 3 से 4 इंच नारियल लिया है मैंने, और ये हरा धनिया, 3 प्याज, इसे भी मैंने भून लिया है गैस पर। और ये अदरक लिया है मैंने 2 से 3 इंच, और 30 से 35 कलियां लहसुन के लिए यहाँ पर। तो इन सब मसालों को हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो मसाला भी पीस गया है अपना यहाँ पर, और यहाँ पर लिया है एक बाउल, और उसमें ले लेंगे हम बेसन। अब बेसन तो अब हर किसी के घर में होता है, तो इसी से हम आज का सालन बना लेंगे। आसानी से और झटपट से बनने वाला सालन है आज आप अपना। तो आप अपने हिसाब से बेसन ले लेना, आपको जितना चाहिए। तो बेसन मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के आसपास लिया है। इसमें डालेंगे अब हम नमक। तो नमक मैंने 1.5 चम्मच डाला है इसमें, और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, ताकि इसमें मिर्च से टेस्ट आ जाए इसमें। और इसे पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है इसमें हमें। तो बेसन का बैटर हमें कुछ इस तरह से बनाना है। ये देखिए, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और ज्यादा पतला भी नहीं करना है। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हो गया है मिक्स, अब हम इसे रख देंगे। तो गैस पर रखी है मैंने अब कढ़ाई। अब कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर 5 चम्मच तेल डाला है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तेल भी गर्म हो गया है अपना। डालेंगे हम इसमें, हमने जो पीसे है वो मसाला डाल देंगे हम। मसाले को अच्छे से तल लेंगे। तभी इसे अच्छे से तलेंगे, तभी इसमें कलर भी आएगा और इसकी सालन भी अच्छा बनेगा। ये सालन घर की चीजों के ही बनने वाला है, हमें कोई भी चीज इसमें बाहर की नहीं चाहिए। अब ये सब चीजें तो अपने घर में होती है, बेसन हो ये मसाले हो। तो जब कुछ ना हो बनाने के लिए आप आसानी से ये सालन बना सकते हो। तो खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है, ये सालन बहुत टेस्टी लगता है सच में। एक बार जरूर बनाकर देखना आप। तो मसाला भून गए हैं अच्छे से अपना। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच काला मसाला। अगर आपके पास ये काला मसाला नहीं है तो आप कांदा लहसुन मसाले का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और कलर के लिए थोड़ी सी डालेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच डाली है मैंने। आपके पास अगर ये मिर्च नहीं है तो आप तीखी वाली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब
अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी। और इसे 1 मिनट के लिए बस ऐसे ही पकाएंगे। तो 1 मिनट हो गया है, ये देखिए कलर भी अच्छा आया है अपने मसाले को। इसमें अब हम पानी भरा लेंगे। आपको जितना पतला चाहिए या फिर गाढ़ा चाहिए आप अपने हिसाब से इसका पानी बढ़ा सकते हो। हमें वैसे भी इसे पकाना है कुछ देर तक बाद में, तो पानी थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे हम इसमें। देख सकते हो आप मैंने कितना पानी डाला है इसमें। अब हम इसमें उबाल आने तक इसका इंतजार करेंगे और फिर बाद में इसमें बेसन की जो बड़ी है वो छोड़ेंगे। इसमें नमक डाल देंगे अब हम, 1.5 चम्मच डाल रही हूँ मैं नमक यहाँ पर। तो सालन में उबाल आ गया है अपने। हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और जो ये बेसन है इसे हम इसमें वड़ी बनाकर छोड़ेंगे। तो ये देखिए हमें इस तरह से पकड़ना है, ये देखिए इस तरह से बेसन लेना है हमें, देख सकते हो आप। ये देखिए इस तरह से छोड़ते रहना है इसमें एक एक वड़ी को, और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखनी है। ये देखिए इस तरह से छोड़ते रहेंगे। हमें सालन में इस वड़ी को डुबोना है, इसलिए तो हमने इसे डुबोक वड़ी का नाम दिया है। ये देखिए, आप अगर गैस की फ्लेम कम नहीं करेंगे तो ये पूरी टूटकर चिपक जाएगी एक दूसरे से, तो हमें इसे तोड़ना नहीं, बिल्कुल ही खुले खुले पकाने हैं, इसलिए गैस की फ्लेम को हमें कम करना है। इस तरह से पूरे हम वड़ी छोड़ देंगे। तो डुबोक वड़ी यहाँ पर मैंने पूरी छोड़ दी है, ये पक भी रही है अच्छे से। अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके ऊपर हमें ढक्कन पूरा नहीं ढकना है, नहीं तो इसका उबाल चला जाएगा। तो बस इस तरह से रखेंगे हम। तो चलिए अपना सालन बना है कि नहीं खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सालन अपना बन गया है। गैस के फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल कर आए हैं बड़ी, देख सकते हो आप कितना अच्छा बना है अपना सालन, और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है इसमें। और इसके ऊपर डाल देंगे हम हरा धनिया। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, देख सकते हो। ये देखिए जितना ये दिखने में टेस्टी दिख रहा है, खाने में उससे कई ज्यादा टेस्टी है सच में।
अब इसके ऊपर भी डालेंगे हम हरा धनिया। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सालन बना है अपना। तो सच में गारंटी से बोल रही हूँ, एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। इसके अंदर जो वड़ी है उसे भी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ही नरम बनी है, देख सकते हो आप। तो आपको आज की ये मेरी डुबुक वड़ी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं फिर अगले रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।